आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, हेडिंग डालेंगे सभी लोग चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? मैकेनिकल डिजाइन ऑफ लाइन, डिजाइन ऑफ लाइन। ठीक, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो ओवरहेड लाइन बनाते हैं, जो भी लाइन बनाते हैं, उसमें कौन कौन से आपके मैकेनिकल टर्म आते हैं और इन मैकेनिकल टर्म को हम लोग किस तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे कंडक्टर को बनाते हैं तो कंडक्टर के लिए दो पोल के बीच में किस तरीके से लगाएंगे, उनके बीच सैग क्या होना चाहिए, किस तरीके से टेंशन होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से मैकेनिकल चीज़ें यूज होती हैं। ठीक, तो ये जानकारी सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग है, आप डालेंगे इसमें सैग। आपने सुना होगा सैग को हिंदी में बोलते हैं झुकाव। ठीक, सैग को क्या बोलते हैं? झुकाव। चलिए हेडिंग डालते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। तो सैग क्या होता है बताइए। देखिए, सैग की अगर बात आती है तो सैग क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, देखा है कि एक, मान लिया ये टावर है आपका या एक पोल मान लेते हैं, और जब कंडक्टर को आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। मान लिया ये सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट बी है। ठीक, तो कंडक्टर के, मान लिया ये आपका कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर। ठीक, और ये है आपका, मान लिया कोई अर्थ, क्या है अर्थ, है अर्थ सरफेस। ठीक, अब सैग की बात आती है तो सैग क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखना सैग क्या होता है, जो कंडक्टर का झुकाव होता है उसी को हम लोग सैग बोल देते हैं। एक सिंपल भाषा में समझे तो सैग क्या है, जो कंडक्टर का सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है उसको सैग बोलते हैं, एक सिंपल भाषा में समझिए। अब इसको अच्छे से परिभाषा अगर लिखना है या डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो इसको क्या कह सकते हैं कि लाइन कंडक्टर को अगर खींचने में झुकाव जो होता है उसको हम लोग सैग कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन कंडक्टर को खींचने में दोनों सपोर्ट के बीच की जो झुकाव होता है उसी को सैग बोला जाता है। अब इसको अगर और अच्छे से समझें तो देखिए, मान लिया कंडक्टर के सबसे अधिक झुकाव कहाँ पे है, तो मान लिया इस पॉइंट पे सबसे अधिक झुकाव है कि नहीं। मान लिया ये पॉइंट कोई पी है, ज़ूम कर लिया। ठीक, और सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट ये है और ये है। ठीक, तो ये आपका सैग होता है यहाँ से, यानी कि कंडक्टर के सबसे ज़्यादा झुकाव और सपोर्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, सैग कहलाती है। मान लीजिए ये सैग होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सपोर्ट ए है, सपोर्ट ए से कंडक्टर के जो बीच की दूरी है, देखिए सबसे लोएस्ट पॉइंट है कंडक्टर का, तो क्या है लोएस्ट पॉइंट, और ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट। ठीक, तो अगर डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए द डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्टर एंड कंडक्टर एंड पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो इस कॉल्ड सैग, क्या कहलाता है, सैग कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, सैग क्या होता है, सब पॉइंट ऑफ सपोर्ट और कंडक्टर के जो लोएस्ट पॉइंट के बीच की दूरी होती है या उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। समझ में आ गया, बताइए।
कितनी बार समझ में आई, चलिए गाइड डालिए और इतना नोट करिए सभी लोग, गाइड डाल के सभी लोग इतना नोट करो, फिर इसमें और लिखा देते हैं हिंदी में इसी डेफिनेशन। साइंस समझ में आ गया सब लोगों के, बताइए। चलिए तो अब ये देखिए, पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो गया ये। अगर हम लोग सैक को अगर हिंदी में लिखना चाहें डेफिनेशन के बेसिस पे, तो क्या लिखेंगे देखिए, ये कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट, कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट तथा पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट के बीच डिफरेंस को, डिफरेंस को क्या कहते हैं, सैग कहा जाता है, सैग कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखेंगे एक सिंपल भाषा में, तो लाइन कंडक्टर को खींचने में दोनों सपोर्ट्स के बीच, सपोर्ट्स के बीच बीच की झुकाव, झुकाव को सैग कहते हैं, सैग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। चलिए इसको नोट करो सब लोग। अब आप लोग ये हमको बताइए कि सैग जो होता है ये अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए, बताइए। अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए, बताइए। तो देखिए, सैग का मतलब क्या है कि कंडक्टर का जो ज़्यादा झुकाव होगा तो हमारा सैग ज़्यादा होगा, यानी कि सैग ज़्यादा कब होगा, जब झुकाव ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसीलिए कंडक्टर का सैग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है, सैग भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे अर्थ पे, अर्थ और इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो हमारा कोई भी पर्सन जब यहाँ से निकलेगा तो ये इसके टच में आ जाएगा, तो टच में आने से हमारा क्या होगा, उसको सांप लगने का चांस होगा। ठीक है, तो इसीलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी सैग हमारा कम होना चाहिए। हमने बताया कि स्पैन लेंथ क्या होती है, तो चलिए आगे समझते हैं इसको और। ठीक है, अब देखिए सैग की बात करते हैं, तो सैग जो है जब अगर कैलकुलेशन की बताती है कि हमारा कितना सैग रहना चाहिए दो कंडक्टर के, दो सपोर्ट के, डालिए सभी लोग, डालिए। अब जब कैलकुलेशन ऑफ सैग बात करें, यानी कि सैग को जब कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, तो उस केस में हमारे दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि जब हमारा जो सपोर्ट है, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने सपोर्ट माने थे, उनके बीच
डिस्टेंस है या लेवल है वो बराबर होना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए वह सपोर्ट आर एट इक्वल लेवल। ठीक, दूसरा क्या होता है कंडीशन, दूसरा होता है व्हेन सपोर्ट्स आर अनइक्वल लेवल। ठीक है, तो इक्वल लेवल का मतलब क्या है कि हमारा ये मान लिया ये है आपका एक टावर या एक पोल। ठीक है, तो दो पोल के बीच में हमने आपको बताया डिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्पैन लेंथ कहते हैं। ये तो आपको पता होगा, यानी कि दो पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्पैन लेंथ कहलाती है या स्पैन डिस्टेंस कहलाती है। अब ये है आपका पॉइंट सपोर्ट ए और ये सपोर्ट बी, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट बी है। ठीक है, यानी कि अब अगर आपसे ये कहा जाए, ये हम मान लेते हैं अर्थ सपोज, तो ये जो लेवल है पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो लेवल है वो, तो देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी का लेवल कैसा है, सेम है कि नहीं, मान लीजिए कोई इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, सेम लेवल है या इक्वल लेवल है। अनइक्वल का मतलब क्या है, देखिए तो अनइक्वल का मतलब हमारा ये होता है कि जैसे सपोर्ट ए है हमारा, ये सपोर्ट ए है और एक सपोर्ट हमारा मान लिया यहाँ पे है, एक बी मान लेते हैं, सपोर्ट ए है और यहाँ पे ए और ये बी। ठीक, इस तरीके से एक टावर ये है या पोल ये है, ये कोई अर्थ मान लेते हैं, हिल एरियाज मान लेते हैं। ठीक है, तो जो कंडक्टर किस तरीके से बिछाया जाएगा, इसका इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं। तो ये क्या होता है हमारा, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो लेवल है वो कैसा है, अनइक्वल है कि नहीं, ये क्या होगा, अनइक्वल लेवल। ठीक, कैसा मिलेगा, अनइक्वल लेवल, समझ में आ गया इतना। तो अब इन दोनों के लिए हम लोग सैग कैलकुलेट करते हैं, एक डेरिवेशन है आपका, तो ये डेरिवेशन आपसे पूछ लेता है, याद रखना सभी लोग। ठीक है, तो इन डेरिवेशन को हम लोग दोनों डेरिवेशन को करेंगे अच्छे से, समझ में आ गया, इतना नोट करो पहले। यहाँ पे हिंदी वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेम सपोर्ट, चलिए वो एक ही चीज है। ठीक है, इतना नोट करो। तो एक काम करते हैं हम लोग, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके दोनों के डेरिवेशंस को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आज इन दोनों को बना लीजिए आप। ठीक, इसके बाद हम लोग कल इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। तो समझ में आ गया सभी लोगों के, सपोर्ट क्या होता है और सैग क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको, डेफिनेशन लिखा दी, और इससे हमारा क्या होगा, अब सैग कैलकुलेशन की बात आती है, तो सैग कैलकुलेट करने के लिए इसका एक डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को हम लोग कल करेंगे इक्वल लेवल के लिए। जब आपका कंडक्टर सपोर्ट के बीच जो तो लेवल है वो इक्वल रहेगा तो हमारा क्या होगा उस केस में। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, कल हम करेंगे। तो देखिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सैग के बारे में, सैग हमने डिस्कस किया था कि सैग क्या होता है, और सैग में हमने देखा था कि आपका जो सैग होता है वो क्या होता है, कंडक्ट तो सपोर्ट, मान लिया सपोर्ट ए है और सपोर्ट बी है। ठीक है, सपोर्ट ए सपोर्ट बी के बीच में जो कंडक्टर होता है आपका,
एक कंडक्टर के जो लोएस्ट पॉइंट और सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। ये चीज़ हमने बता दिया था आपको पिछली क्लास में, तो जो लोग क्लास को नहीं देखे हैं वो पिछले जाके क्लास को फॉलो करिए, ठीक है, और वो वहाँ से आप क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमने आपको बताया था कि अगर सैग को कैलकुलेट करना होता है तो सैग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो कंडीशंस या दो लेवल को डिसाइड करते हैं, वो चीज़ हमने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आज कैलकुलेशन ऑफ सैग, कैलकुलेशन ऑफ सैग, ठीक है, चलिए डालिए सभी लोग। तो कैलकुलेशन ऑफ सैग में क्या है, तो देखिए जब भी हम सैग की बात करते हैं तो कंडक्टर में, जैसे मान लिया ये है आपका एक कंडक्टर, ये है आपका एक सपोर्ट और ये है सपोर्ट, मान लिया सपोर्ट ए है और सपोर्ट बी है, सपोर्ट का मतलब आपका टावर है, इसके बीच में ये कंडक्टर आपका बना हुआ है मान लिया ये, ठीक। अब ये मान चलिए ये जो है आपका इस, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको स्पैन लेंथ, ठीक है, स्पैन लेंथ का मतलब दो टावर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैन लेंथ बोलते हैं, और कंडक्टर के जो लोएस्ट पॉइंट और टावर के जो सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ से उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, सैग, ठीक, ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि सैग जो होता है, अगर कंडक्टर की टेंशन को बढ़ा दिया जाए, कंडक्टर को टेंशन बढ़ाने का मतलब क्या है, कंडक्टर को दोनों सपोर्ट के बीच में और ज़्यादा टाइट कर दिया जाए, मान लिया इस तरीके से टाइट कर दिया जाए, ठीक, इन सपोर्ट पे, ए और बी सपोर्ट पे, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर का होगा ये टेंशन हो जाएगा, टेंशन कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी कंडक्टर की, है ना, ये क्या है कंडक्टर, और कंडक्टर का टेंशन बढ़ने से हमारा क्या होगा, टेंशन बढ़ने से हमारा क्या होगा, सैग जो होगा वो कम हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये देखिए। तो इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं टेंशन को कि हमारा सैग भी मेंटेन बना रहे, तो इसीलिए आप जानते हैं कि जो हमारा टेंशन होता है, ठीक है, वो बेसिकली कंडक्टर पे अगर टेंशन की बात करें, अगर ये इस तरीके से इस पर वेट आ जाए तो उस केस में हमारा क्या होगा, टेंशन अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, जैसे टेंशन की बात करें, एक मिनट सॉरी, टेंशन बढ़ने से क्या होगा, हमारा सैग बढ़ जाएगा, क्योंकि टेंशन का मतलब क्या है, आपका ये कंडक्टर में ये टेंशन, और ये टेंशन किससे बढ़ेगा, जैसे मान लिया आपका कंडक्टर में, कंडक्टर की वेट की वजह से, कंडक्टर का जो वेट होगा अगर वो ज़्यादा होगा, ठीक, अगर कंडक्टर का वेट बढ़ाएंगे तो हमारा सैग क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर मान लिया आइस लोडिंग आ जाती है, आइस लोडिंग का मतलब क्या है कि जैसे हिल एरियाज में जो पहाड़ी इलाका होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा कंडक्टर्स के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, क्या जम जाती है, बर्फ़। अब जब बर्फ़ जम जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर का वेट बढ़ जाएगा, है ना, वेट कंडक्टर का अगर बढ़ जाता है तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सैग की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बताइए। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाती है। अब टेम्परेचर की भी बात करें, मान लीजिए अगर टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो देखिए कंडक्टर का जो टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं तो जो टेम्परेचर जो कंडक्टर का बढ़ेगा तो हमारा जो कंडक्टर क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा कि नहीं, एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होने से क्या होगा, ये और झुकेगा इस तरीके से, बताइए। जब ये और झुकेगा तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारा सैग इसमें भी बढ़ जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कैलकुलेशन और सैग होता है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के, कंडक्टर के वेट को, आइस लोडिंग को और टेम्परेचर वेरिएशन को, तो इन सबको ध्यान में रख कर के इस ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ सैग की बात करें तो मान लिया टेंशन जो होना चाहिए किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में वो लेस देन 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए टेंशन की अगर बात करें,
कंडक्टर में टेंशन ऑफ कंडक्टर वो क्या है, लेस देन होना चाहिए कितना, 50%, 50% ऑफ उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से। ठीक है, अब ये तो हमने ये बात कर ली, अब कैलकुलेशन की बात करें, मान लिया इसका एक डेरिवेशन है, तो अगर डेरिवेशन अगर हम लोगों को करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है डेरिवेशन में, पहली कंडीशन है जब हमारा सपोर्ट जो होता है दोनों लेवल पे बराबर हो, मान लिया सपोर्ट आर एट इक्वल लेवल, यानी कि हमारा मान लिया ये कंडक्टर, ये सपोर्ट है ए और सपोर्ट बी। ठीक है, तो सपोर्ट ए और सपोर्ट बी का जो लेवल है इस तरीके से तो देखा जाए ये लेवल हमारा सेम है, इक्वल है। तो इस केस में अगर हम लोग इसका डेरिवेशन निकालें या सैग की वैल्यू निकालते हैं तो सैग की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डालो, इसका डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए डालिए, तो देखिए सैग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दो पॉइंट सपोर्ट बनाएंगे, मान लिया ये हमारा एक है सपोर्ट ए और एक सपोर्ट हमने मान लिया ये है बी। ठीक, और इसके बीच हमने कोई मान लिया ये कंडक्टर है आपका, ये कोई कंडक्टर है। चलिए और इसको अच्छे से बना लेते हैं, तो ये हमने क्या कर लिया, इसको आप लोग बना लीजिए। ठीक, और इस दो मान लिया ये है आपका ये सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये हमने कोई मान लिया ये आपका अर्थ है ये, और ये सपोर्ट है यानी कि टावर है या पोल है, तो ये कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर है। अब अगर कैलकुलेशन ऑफ सैग करना है दो सपोर्ट पे, तो हम जानते हैं कि हमारा जो लोएस्ट पॉइंट और सपोर्ट के बीच, तो लोएस्ट पॉइंट देखिए ये है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है, सैग होती है। ठीक, अब देखिए इस सैग को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि दो सपोर्ट हैं और इस तरीके से डिजाइन कर लिया। अब दो सपोर्ट के बीच की अगर दूरी हमने कुछ एज्यूम कर ली है, होल कर ली है एल, ठीक है, कितनी है एल एज्यूम कर ली है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, जो लोएस्ट पॉइंट है हमारा कंडक्टर का, उसको हमने एज्यूम कर लिया कोई पॉइंट ओ है। ठीक, इस पॉइंट को हमने क्या कर लिया, कोई ओ पॉइंट यूज कर लिया। अब पॉइंट ओ पर क्या होगा, कोई एक टेंशन फोर्स लगेगा, मान लिया एक टेंशन फोर्स लग रहा है पॉइंट ओ पे, तो ये हमारा कंडक्टर पे एक टेंशन लग रहा है टी, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और अजम्पशंस करेंगे कि एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया पी। ठीक है, अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हम मान लेते हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, तो इसके एक्स और वाई क्या हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी एक्स। ठीक है, इस पॉइंट से यानी कि जो पॉइंट ओ है जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से और इस पॉइंट के बीच एक्स एक्सिस है यानी कि एक्स और वाई, और वाई एक्सिस की बात करें तो ये हमने मान लिया वाई एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई शब्दों के, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो ये क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसको चलिए बनाइए नोट करिए इतना। ठीक, अब देखिए कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर पे दो टाइप के फोर्स अप्लाई होंगे, कौन कौन सा, एक तो टेंशन फोर्स होगा, तो फोर्स जो लगेगा वो कौन से लगेंगे, एक टेंशन होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी टेंशन फोर्स, और एक कंडक्टर का वेट, कंडक्टर
वेट होगा और उसको हम क्या करेंगे डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो ये एजम्पशंस हमने कर लिया। और कंडक्टर के वेट पे कोई इसके पॉइंट ओ और पॉइंट पी के बीच में कोई कंडक्टर का वेट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा वेट डब्ल्यू एक्स ये लग रहा है इस कंडक्टर पे, और इस कंडक्टर से वेट यहाँ से लग रहा है। तो इसके अगर डिस्टेंस की बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस एक्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ जो वेट लग रहा है कंडक्टर का उसको हम अगर डिस्टेंस बात करें तो ये एक्स वाई टू हो जाएगा, और यहाँ से एक्स वाई टू ये भी हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। ठीक, तो इतना एजम्पशन है, इसका डायग्राम बनाइए, फिर हम इसको डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बताइए। यहाँ से एजम्पशन ले लीजिए, माना एल क्या है हमारा, लेंथ है ऑफ स्पैन, स्पैन का मतलब तो सपोर्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम स्पैन बोलते हैं। उसके बाद डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू ले लीजिए वेट, वेट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वेट हमने एज्यूम कर लिया, वो क्या है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करो सभी लोग। तो इस डायग्राम में देखिए, अगर मान लेते हैं ये जो कर्व है, यहाँ से पॉइंट ओ से पॉइंट पी के बीच में ये कर्व है, कर्व टाइप का बन रहा है। अगर ये मान लेते हैं ये कर्व बहुत स्मॉल होता है या बहुत कम होता है, तो स्मॉल होने पे क्या होगा, हमारा जो जो कंडक्टर है वो किस तरीके से यहाँ पे आ जाता है इस पोजीशन पे, यानी कि ओरिएंटल पोजीशन प्रोजेक्शन बनता है इसका, ओरिएंटल प्रोजेक्शन। अभी ओरिएंटल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा ये कंडक्टर कैसा हो जाता, इससे सीधा हो जाता, सीधा होने से हमारा क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसकी दूरी एक्स है और यहाँ से इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है वाई एजम्स की है, यानी कि ये इसके पी पॉइंट जो हमने ज़ूम किया है वो एक एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वाई और एक्स और वाई, इसको हमने ज़ूम कर लिया। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद चलिए इतना नोट करिए फिर इसको, और हम लोग आगे करते हैं। इतना हो गया बताइए। ठीक है, इतना नोट करने के बाद फिर क्या करेंगे देखिए, आप कुछ एजम्पशन है उसको मान लीजिए। माना माना पॉइंट पी पी माना पॉइंट से लिखिए, माना कोई पॉइंट, माना कोई पॉइंट, कोई पॉइंट पी, पॉइंट पी कंडक्टर पर है, कंडक्टर पे, कंडक्टर पर है, और पॉइंट और कंडक्टर पर, कंडक्टर पर या कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट क्या है ओ, ठीक, लोएस्ट पॉइंट ओ, आगे लिखिए कंडक्टर के पॉइंट पी, कंडक्टर के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स एंड वाई, ठीक है एक्स और वाई, आगे लिखिए एज्यूम, यानी कि मानते हैं कि जो कर्वेचर है, यानी कि कर्वेचर ऑफ चलिए इतना ही रखिए, आगे मत लगिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स है कंडक्टर पे, दो टाइप के फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो लिखिए फोर्स पॉइंट ओपी, पॉइंट ओपी पर दो फोर्स एक्ट होते हैं, एक्ट होते
होते हैं या लगते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट ओपी कौन सा है, तो यहाँ पे समझिए, तो पॉइंट ओपी कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट ओ और ये पी। तो पॉइंट ओपी के बीच में हमने क्या बनाया है, एक दो फोर्स लगेंगे। तो दो फोर्स कौन कौन से लगेंगे, तो पहला फोर्स क्या होगा, पहला लिखिए ए इक्वल्स टू वेट ऑफ कंडक्टर, वेट ऑफ कंडक्टर यानी कि कंडक्टर का वेट, तो कंडक्टर का वेट क्या है डब्लू और एक्स लगेगा, ठीक, डब्लू एक्स एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर, एक्स वाई टू डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ओ, पॉइंट ओ यानी कि देखिए क्या कहा है कि पॉइंट ओ से, ये पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ से डब्लू इस पे क्या है हमारा, पॉइंट ओ से एक्स बाई टू डिस्टेंस पर हमारा फोर्स लग रहा है कंडक्टर पर, वेट लग रहा है कितना डब्लू एक्स, ये देखिए हमने रिप्रेजेंट किया डब्लू एक्स, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको देखते रहिए, ठीक, ये चीज़ आ गया। दूसरा फोर्स हमारा क्या लग रहा है कंडक्टर पे, दूसरा फोर्स है द टेंशन, टेंशन टी, टी फोर्स यानी कि टेंशन लग रही है एक्टिंग एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ यानी कि पॉइंट ओ पर, देखिए ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ पर हमारा टेंशन क्या लग रहा है टी इस तरीके से, ठीक, और ये वेट कंडक्टर का डब्ल्यू एक्स। तो दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं कंडक्टर पे, ठीक, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेशन है, तो अब देखो इतनी बात हमने समझ ली है, एजम्पशंस मान ली हैं, इसके बाद क्या करोगे, हम निकालते हैं पॉइंट, दो फोर्स जो हमारे पॉइंट ओ पे लगे हैं, आगे लिखिए यहाँ से टू फोर्सेस, टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि पॉइंट ओ पर दो फोर्स लग रहे हैं, तो वो कौन से हैं टी, ठीक है, टेंशन फोर्स, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख लेंगे टी वाई इक्वल्स टू डब्लू एक्स इंटू एक्स वाई टू, ठीक है। देखिए इसको समझिए, तो यहाँ से समझिए ये टेंशन फोर्स है, ठीक, अब टेंशन फोर्स और ये वाई जो यहाँ पे ओरिएंटल पोर्शन होता, ओरिएंटल प्रोजेक्शन के हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टी और इंटू वाई। उसके बाद जो कंडक्टर का वेट कितना है, कंडक्टर का वेट देखिए क्या है डब्ल्यू एक्स, और ये जो एक्स एक्सिस इसकी कितनी है एक्स वाई टू, तो इसको एक्स वाई टू हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको समझिए। तो देखिए ये टी वाई इंटू वेट कंडक्टर इंटू डिस्टेंस कितनी है एक्स वाई टू, ऐसे ही इसकी डिस्टेंस कितनी है टी इंटू वाई, वाई क्या है आपकी जो वर्टिकल पोजिशन में दिखी गई है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा टी वाई इक्वल्स टू टी क्या है हमारा टेंशन है, और डब्ल्यू एक्स कंडक्टर का वेट है, और ये एक्स वाई टू क्या है हमारी पॉइंट ओ से इसकी डिस्टेंस है कंडक्टर के वेट पर, ठीक है, जहाँ पे हमारा कंडक्टर का वेट एक्टिंग हमने किया है। तो ये हमने एजम्पशंस माना था उसी के हिसाब से। अब यहाँ से देखिए हम क्या निकालेंगे, वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे टू टी हो जाएगा, यही निकल के आएगा बताइए। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो वाई की वैल्यू निकल के आई, तो वाई की वैल्यू वही क्या है हमारा, इसी को हमने मान लिया है, हमारा एज्यूम किया है कि ये हमारा सैग है, तो ये हमारा क्या हमने मान लिया सैग है। तो चलिए लिख लीजिए कि जिस टर्म मैक्सिमम, मैक्सिमम सैग जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड बाई द वैल्यू ऑफ बाई, बाई को रिप्रेजेंट कर किया हमने मैक्सिमम इस साइड को, ठीक, किस पे, किसी भी पॉइंट पे एट आइदर पॉइंट, आइदर, आइदर सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट पर ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमने एक्स के बराबर क्या है एल बाई टू, ठीक, एजम्पशंस लिया है, और हमारा जो वाई है वो हमने क्या एजम किया एस यानी कि सैग। तो अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे
और वाई की जगह पे एस पुट करेंगे यानी कि सेफ। ठीक, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दीजिए और इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एक्स एंड वाई, दो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे, इन्हीं के दोनों की वैल्यू पुट करिए तो क्या बनेगा। देखिए तो y यहां से क्या हो जाएगा, चाहिए sec s इक्वल टू w ly 2 अपॉन 2 t स्क्वायर। ठीक, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, w l स्क्वायर अपॉन 8 t। ठीक है, ये होगा कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा sec क्या निकल के आया, s इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 टी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी सेक की निकल के आई है। जब हमारा क्या हो जाता है, दोनों सपोर्ट लेवल पे होते हैं तब। अब यहाँ पे टी क्या है, तो टी हमारा टेंशन है, टेंशन है। ठीक है, और एल क्या है, लेंथ है, लेंथ है ऑफ स्पैन की, स्पैन लेंथ हम कह सकते हैं। तो देखिए सेक जो है बेसिकली हमारा कैसे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि सैग प्रोपोर्शनल है किसके, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टी। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर टेंशन की वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी कि जो कंडक्टर है मान लिया इस तरीके से, अगर इसको खींचते हैं, ठीक है, इसको टाइट करते हैं, तो हमारा टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेंशन बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये टेंशन बढ़ेगा, ये मान लिया इसको टाइट करते हैं तो हमारा टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ने से क्या होगा, हमारा सैग कम होगा। तो सैग का मतलब क्या है, ये दूरी कम हो जाएगी जब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि इस पे टेंशन हमने बढ़ा दिया और ये हमारा सैग कम होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सैग कम होगा और टेंशन को बढ़ाने से। ठीक है, कंडक्टर के टेंशन को बढ़ाने से या तनाव से, टेंशन का मतलब क्या है, तनाव, जो कंडक्टर का तनाव है उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा जो कंडक्टर का झुकाव है कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ से अब लेंथ की बात करें, तो मान लीजिए ये सपोर्ट है। ठीक, अगर इसके मान लिया ये जो लेंथ आएगा दो टावर के बीच की, अगर डिस्टेंस ये बता देते हैं, तो कंडक्टर हमारा ये झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा, तो ये जब झुक जाएगा तो इसका मतलब सैग बढ़ जाएगा, तो ये लेंथ बढ़ाने से सैग भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, सैग बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सपोर्ट के बीच में अगर कंडक्टर को लगाते हैं, तो कंडक्टर को लगाने में अगर दो टावर के बीच की दूरी अगर बढ़ा दोगे तो कंडक्टर हमारा ज़्यादा झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा, इसीलिए दो टावर के बीच की दूरी हमेशा एक स्टैंडर्ड रखी जाती है, इसीलिए क्योंकि हमारा सैग ना बढ़ जाएगी। अगर सैग बढ़ गया तो सैग बढ़ने से हमारा क्या होगा, उस केस में सैग बढ़ने से हमारा खतरा रहेगा, जब भी उसके नीचे से कोई पास करेगा तो वहाँ से हमारा खतरा चांस रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग उसके जो स्पैन लेंथ होती है, उस स्पैन लेंथ को एक स्टैंडर्ड के में तरीके से स्टैंडर्ड मान के रखते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको रखा जाता है। ठीक, अब इस यहाँ से देखिए, अगर मान लिया कंडक्टर का वेट बढ़ा, ये इस रिलेशन से कंडक्टर का अगर वेट बढ़ा तो यहाँ से सैग क्या हुआ, हमारा सैग भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं, आपको याद रख लेना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे बता देगा, अगर सैग बढ़ जाता है, सैग बढ़ाने के लिए लेंथ अगर बढ़ जाती है तो सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेंशन बढ़ जाती है कंडक्टर भी तो उस केस में सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या कंडक्टर का वेट बढ़ जाता है तो उस केस में सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो एक रिलेशन से हमने देख लिया, वैसे भी अगर आप दिमाग से दिमाग लगाओ तो उस केस में क्या है, हम जनरली देख सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, सैग की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इतना नोट कर लीजिए, सब लोग नोट करिए इसको।
इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, बताइए। तो इसी तरीके से आप दो बार इसको देखेंगे वीडियो को और प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो ये हमारा डेरिवेशन क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, इसको समझ लेना सभी लोग, ठीक है। देखिए अब एक सहायक दूसरी कंडीशन और आती है, तो दूसरी कंडीशन सहायक को कैलकुलेट करने की क्या होती है, जब हमारा क्या होता है सपोर्ट जो होता है वो अनइक्वल होता है, सपोर्ट आर एट अनइक्वल लेवल। तो अनइक्वल लेवल पे अगर हमारा सपोर्ट होता है तो उस केस में इसका डेरिवेशन कैसे होगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैक की वैल्यू को, कैसे सैक निकलता है, तो ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई सब लोगों की, बताइए। अब जैसे हमने कहा कि सपोर्ट अनइक्वल है, तो अनइक्वल का मतलब क्या है, मान लिया जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, हिल एरियाज होते हैं, ठीक है। तो हिल एरियाज में हमारा क्या होगा, जमीन समतल तो होगी नहीं, यानी कि जमीन होती है समतल तो होगी नहीं, तो मान लिया कहीं किसी एक पे हमने यहाँ पर बना दिया पहाड़ी एरिया में और ये कहीं एक यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक सपोर्ट यहाँ से है इस तरीके से, तो कंडक्टर को इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लेवल जो है सपोर्ट ए है ये और सपोर्ट बी है ये, तो इनके बीच में जो लेवल की बात करें तो देखिए लेवल का डिफरेंस कितना आया, इतना डिफरेंस आया, यानी कितनी हाइट आ गई इसकी, ठीक है। ये हाइट क्या है, इस लेवल से बढ़ गई, तो इस लेवल से बढ़ने से उस केस में हमारा सैग कैसा निकलेगा, किस तरीके से सैग को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन अच्छे से समझेंगे। पहला वाला जो डेरिवेशन हमने बताया अभी, जो इक्वल सपोर्ट होता है या इक्वल लेवल होता है, तो इस इक्वल लेवल के लिए आप लोग पहले सबसे पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, जो हमने पिछला बताया, क्योंकि इसको अगर समझेंगे तभी आप नेक्स्ट वाला ये वाला समझ पाएंगे, अदरवाइज इसको समझने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको पूछे जरूर जाते हैं और सैक का रिलेशन जरूर पूछता है आपसे, ठीक है। तो चलिए फिर कल देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है।